नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। वर्कशीट 21, वर्कशीट 21, दिनांक डेट 21/8/2020, क्लास 9th। ठीक है, तो जो आपकी वर्कशीट है ये आपका बायोलॉजी में से है। ठीक है, जीव विज्ञान की मौलिक इकाई, इसके बारे में हम डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पर चलते हैं, क्योंकि जो ये सब जानकारी है वो आपके प्रश्न उत्तर के दायरे में आ जाएगी और मैं उसी टाइम इसे कवर करा दिया करूंगा और कराऊंगा भी अभी। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि डायरेक्ट मैंने ऊपर नहीं समझाया तो बाकी चीजें नहीं समझाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में केंद्रक में क्या अंतर होता है, तो देखो याद रखना आज का ये प्रश्न का उत्तर लिखते समय काफी ध्यान देना, कई सारे वीडियो देख लेना। ठीक है, तब प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको वर्कशीट दिखाऊं, ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 21 है। ठीक है, आपको तो पता ही चल रहा है, वर्कशीट नंबर 21 और ये वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है मैं ये दिखा दूं, बस घबराना मत। ये देखिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, और ये वाला है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक केंद्र में क्या अंतर होता है। तो याद रखना, पिछली बार प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर थी, जैसे बच्चों आप सब ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो अब की बार आया है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर होता है, पिछली बार कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का। ठीक है, वर्कशीट नंबर 19 आप पीछे जाके चेक भी कर सकते हैं अपनी कॉपीज में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम चेकआउट करते हैं। तो इसका आंसर है आपका, जैसे पिछली बार बताया गया था कि आपका प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया ही नहीं जाता। ठीक, तो इसका आंसर मैंने लिखा है, इस बार लिखें कैसे, प्रश्न एक उत्तर, केंद्रक में अंतर व कोशिका में अंतर था, केंद्रक में अंतर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, और इसमें केंद्रक पाया जाता है, और इस वाले आपने अगर वर्कशीट पढ़ी होगी वर्कशीट को, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट मतलब नहीं होता, इसे डायरेक्टली नहीं, कई लोग कहते हैं कि आधा अधूरा होता है कुछ नहीं, तो इसमें नहीं होता है और इसमें पाया जाता है। इसमें धागे जैसी संरचना होती है और इसके केंद्रक के साथ साथ, केंद्रक तो पाया जाता है, कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और मैं आपको अपने एनसीईआरटी जो किताब है आपकी, ठीक है, विज्ञान कक्षा 9, ठीक है, और अध्याय 7 जीवों में विविधता, ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपका दिखाया गया है। ठीक है, एक, क्योंकि आप इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, ताकि यह लगे कि आप गलत पढ़ रहे हैं, एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्ण होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, साफ मना कह रहा है यहाँ पे, केंद्रक नहीं होते हैं, सॉरी पेन चला दिया, पेन नहीं चलाता मैं कभी कॉपी पे, केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, केंद्रक समेत केंद्रक नहीं होते हैं, तो ये आपका आंसर, इसमें घबराने की बात नहीं है, आप अपने एनसीईआरटी की बुक में जाके भी चेक कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको ये पढ़ के अच्छा लगेगा। अगला है, डीएनए एवं आरएनए का पूरा नाम लिखिए, डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर है, डीएनए का पूरा नाम डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है डीएनए, तो डीएनए नाभिक में पाया जाता है और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। याद रखना, डीएनए दो जगह पाया जाता है, सबको लगता है बस नाभिक में, केंद्रक में, केंद्रक में, नहीं भाई साहब, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का एक चित्र दिखा देता हूँ, आपके सपोर्टिंग मटेरियल में दिया गया है, 9th क्लास में आ गए हैं अब, आपको सपोर्टिंग मटेरियल भी दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, शायद COVID-19 बेसिक ना दिया जाता हो, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और ये आपका उसमें केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है ये, ठीक है, केंद्रक यानी डीएनए पाया जाता है और इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, यहां देखेंगे इसमें लिखे है इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, उम्मीद है
या अपने किसी का अगर सपोर्टिंग मटेरियल मिले तो उसे पढ़ लेना। देखो ये हिंदी का है लेकिन फिर भी इन्होंने इंग्लिश इंग्लिश में लिख रखा है, कट है बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं। मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, देखो सब इसके अंदर आ जाएगा, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसमें तीन क्वेश्चन है, जीन क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं, पता है ना, दो लोग जब मिलते हैं तो 23-23 जोड़े होते हैं और उनको जो उनकी संख्या मिल जाती है तो कितनी हो जाती है, 46। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका जीन क्या होता है। तो ठीक है, तो जीन ये है आपका डीएनए का वह छोटा सा हिस्सा जो अनुवांशिक लक्षणों रंग रूप लंबाई लिंग निर्धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है जीन कहलाती है। ठीक, और आपका अगला है और यह कहाँ स्थित होता है। ठीक है, कहाँ होगा, कोशिका केंद्र में ही, और कहाँ होगा। तो एक कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है, अब देखो समझे, ध्यान समझना, एक जो कोशिका होता है उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन्हें गुणसूत्रों को जीन कहते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, जैसे कि ये कोशिका हो गया आपका, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और इन्हीं गुणसूत्रों में जीन होता है, इन्हीं गुणसूत्रों में जीन होता है और ये अनुवांशिक सूचना के वाहक होते हैं कि उसकी मतलब जो उसके दादा परदादा होते हैं उसके जो पीढ़ी दर पीढ़ी सूचना चली आती हैं वो इसी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रक के कोई दो कार्य लिखिए, केंद्रक के कोई दो कार्य, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है, या तो इसे घुमा के लिखना है तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण भी करती है और केंद्रक में कोशिका के वंशागुणत जानकारी भी होती है जिसे हम डीएनए भी कहते हैं, जो भी हमने आपने अभी समझाया था, यही वाला कौन सा गया। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।